हिमाचल प्रदेश प्राइवेट बस ड्राइवर कंडक्टर यूनियन की नालागढ़ इकाई 26 नवंबर को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान पर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, निजी बसों के ड्राइवर व कंडक्टर एक दिन के लिए हड़ताल पर रहेंगे। यूनियन के पदाधिकारियों ने नालागढ़ बस अड्डे पर केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं यूनियन के पदाधिकारियों ने श्रम विभाग के नालागढ़ कार्यालय में स्थित निरीक्षक के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी भेजा। हमारी जो ये देशव्यापी जो हड़ताल है 26 तारीख को होना तय हुई है, जिसमें पूरे हिमाचल की जितनी भी ट्रेड यूनियन हैं उनके आह्वान पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस यूनियन में पहली बार हमारी जो यूनियन है प्राइवेट कंडक्टर की, तो जो ट्रांसपोर्ट फेडरेशन है उन्होंने भी मतलब इस स्ट्राइक में जाने का फैसला लिया है। तो हिमाचल प्रदेश में जितनी भी हमारी ब्रांचेज हैं हिमाचल प्रदेश प्राइवेट कंडक्टर यूनियन की तरफ से, तो हम सब भी क्योंकि हम भी मजदूर की श्रेणी में आते हैं, तो जो वर्तमान में जो केंद्र सरकार है जो मजदूरों के प्रति ट्रांसपोर्ट मालिकों के प्रति जो मतलब कानून बनाए जा रहे हैं उसके खिलाफ हमने अपना एकजुटता दिखाने के लिए इस रैली में भाग हड़ताल में जो है भाग लेने का वो किया निर्णय लिया। आज हम यहाँ पे इकट्ठे होने के प्रधान जी के निर्देशों अनुसार श्री जगदीश चंद ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश प्राइवेट बस चालक परिचालक यूनियन के निर्देशानुसार हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमारी मांगे जो हमने केंद्र सरकार को दी है सेंट्रल सीटू यूनियन माध्यम से सेंट्रल सरकार को भेजी है, 26 नवंबर की देशव्यापी हड़ताल जो को सफल बनाने में हम उनका शो कर रहे हैं। ये नहीं पूरी होती है तो फिर अगला कदम क्या है आप लोगों का? ये बैठक में निर्णय लेगा। हड़ताल के बाद 26 तारीख को पूरे हिमाचल के प्राइवेट बस के ड्राइवर और कनेक्टर पूरे प्रदेश भर से हड़ताल करेंगे। अगर हड़ताल में हमारा निर्णय नहीं निकलता है तो उसकी अगली रणनीति बनाई जाएगी, वो बैठक में उसकी निर्णय हड़ताल के बाद हम आपको बताएंगे। तो हम आपके माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि पूरा हिमाचल प्रदेश प्राइवेट बस ड्राइवर और कंडक्टर 26 नवंबर को हड़ताल पे रहेगा, पूरा चक्का जाम रहेगा।